आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुख करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी की ओर से ठाकुर का कुआं कविता पढ़े जाने पर घमासान मचा हुआ है। अब हरीश चौधरी के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। उनके बयान के खिलाफ राजपूत समाज सड़क पर उतर आया। आक्रोशित राजपूत समाज के लोगों ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के खातीपुर तिराहे पर वायु विधायक हरीश चौधरी का पुतला फूंक उनके विरोध जताया। साथ ही हरीश चौधरी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने हरीश चौधरी को जातिवाद का नेता भी करार दिया। यूपी प्रशासन ने कवाड़ियों के मार्ग पर दुकानदारों को दुकान पर अपना नाम लिखने का निर्देश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। अब राजस्थान में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक बयान आया। बाल मुकुंद आचार्य बोले कि उत्तर प्रदेश ने अच्छी शुरुआत की है। आइडेंटिटी छुपाने से मतलब है कि कोई झोल है। अगर वो रहीम है और राधे राधे लिख रहा है और राधे राधे है और रहीम लिखे तो ठीक नहीं। आइडेंटिटी छुपाए बिना अपना काम करता है तो वो अच्छी बात है। प्रदेश स्तरीय आह्वान के बाद आज झालावाड़ में भी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल की 4 दर्जन से अधिक चिकित्सा शिक्षकों ने राजस्थान सेवा रूल्स के तहत लिए जाने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर दिया और जिला SRG अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी देर तक चिकित्सा शिक्षकों ने धरना देकर अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की। हनुमानगढ़ जिले के भादरा की शमशान भूमि में रेस्क्यू सेंटर में कल 8 हिरणों और एक खरगोश का शव मिलने के मामले में अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन ने आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कहा कि शिकारियों द्वारा हिरण और खरगोश का शिकार किया गया, जबकि वन विभाग और पुलिस कुत्तों द्वारा हिरण और खरगोश को मारने की बात कह रही। संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा अगर जल्द ही शिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हिंदी को राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर द ईगल फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री के नाम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि हिंदी को राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए और साथ ही देश के प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से हिंदी को पढ़ाया जाए ताकि देशवासी एक भाषा के माध्यम से जुड़ सके। केंद्र सरकार ने RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया। अब सरकारी कर्मी RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। आदेश में कहा गया कि उपयुक्त निर्देश की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर 1996, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। नीट पेपर लीक विवाद पर राहुल गांधी के बयान को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन पर हमलावर रुख अपनाया और कहा कि राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, उनसे मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मुझे जनता ने चुनकर भेजा है। रिमोट से सरकार चलाने वाले बयान दे रहे हैं, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं होना चाहिए, सिस्टम सुधारने के लिए सुझाव दें। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब 24 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले कड़कड़डूम कोर्ट ने 28 मई को उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के मालिक के नेम प्लेट लगाने के मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई शनिवार को होगी। कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए ढाबे पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे है। राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टिकरण का निर्णय ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैया आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच हुई तल्खी दूर हो। यह निर्णय अनुचित है और तुरंत वापस हो। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।